यूपी के ग्रेटर नोएडा में आज जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बादलपुर थाना क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले और फायरिंग भी हुई। फायरिंग में एक पक्ष के 3 लोगों को गोली लग गई। गोली लगने से 2 लोगों की हॉस्पिटल में उपचार के दौरान मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। घटना का लाइव वीडियो भी बनाया गया, जिसमें जमकर फायरिंग हो रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। देविंदर के जा रहे सारे अमित बात कर रहे हो अब ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो में जमकर फायरिंग हो रही है। वीडियो में एक व्यक्ति के सिर में भी गोली लगी है और उसकी मौत हो गई। रास्ते को लेकर हुए इस विवाद में एक पक्ष के 2 लोगों की गोली लगने से मौत हुई है, जबकि एक की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के गांव गिरधरपुर का है, जहां आज प्रथम पक्ष के देवेंद्र और दूसरे पक्ष के भूरा के बीच रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। रास्ते के विवाद को लेकर भूरा के परिजन प्रेम, सेलक और अमित इकट्ठा हुए थे। मौके पर दोनों पक्ष के बीच बहस हुई, जिसमें देवेंद्र पक्ष की तरफ से अपनी लाइसेंसी हथियार से फायरिंग की गई। इस फायरिंग में प्रेम, सेलक और अमित तीनों को गोली लगी। गोली लगने से घायल हुए तीनों को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा अमित और सेलक को मृत घोषित कर दिया गया। पूर्व में एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों की 107, 116 CRPC के तहत कार्यवाही की जा चुकी है। रास्ता विवाद के निस्तारण के लिए स्थानीय लोगों के माध्यम से प्रयास कराया जा रहा था। रास्ता विवाद की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। पुलिस बल व अधिकारीगण मौके पर मौजूद हैं। इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये थाना बादापुर क्षेत्र में गिरधरपुर गांव के अंतर्गत आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पक्ष जो भूरा और दूसरा पक्ष देवेंद्र और उसके भाइयों का था, इसमें आपस में इनमें विवाद हो गया एक रास्ते को लेकर के, जिसमें देवेंद्र पक्ष और भूरा पक्ष का जो है 116 पूर्व में पुलिस के द्वारा किया जा चुका था। आज देवेंद्र पक्ष के द्वारा जो है वो अपने लाइसेंसी हथियारों से जो है वो फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को जो है वो गोली लगने की जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें मौके पर तत्काल पुलिस के द्वारा इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। तत्काल प्रभाव से जो है टीमों को गठन कर दिया गया है और जल्दी इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जो देवेंद्र पक्ष है, इनके लाइसेंसी असलहों के कैंसिलेशन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और जो 116 की कार्रवाई पुलिस के द्वारा पूर्व में की गई थी, उसमें इनके बॉन्ड फॉरफिट कराए जाएंगे और उसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ग्रेटर नोएडा से Time24 न्यूज़ के लिए ललित पंडित की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।